असलकम क्लास एट्थ सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन पहले बच्चों जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर वन हंड्रेड फोर पर है क्वेश्चन नंबर सेवन जो है विदाउट एडिंग फाइन द सम यानि आपको सम करने यानी एड करने के बग़ैर एड करने के बगैर आपको बताना है कि इसका सम क्या आएगा यानी टोटल कितना आएगा पार्ट फर्स्ट वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन सोल्यूशन में लिखेंगे हम देखो प्यारे बच्चों ये कितने ऑड नंबर्स है वन टू थ्री फोर फाइव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स यानी जो पहले आर नेचुरल नंबर्स है यानी वन से स्टार्ट होते हैं आपको पता ही है आर नंबर्स किनको के कहते हैं जिनको मल्टीप्लाई यानी नॉन डिजिबल बाई टू तो उनको आर नंबर्स कहते हैं तो फर्स्ट आर नंबर्स यानी एन अगर आर नंबर्स है तो उसका सम जो होगा वो होगा एन स्केयर एन स्केयर एन स्केयर मैं बताऊंगा आपको मैं समझाऊंगा आपको देखो इसमें कितने और नंबर्स है वन टू थ्री फोर फाइव इसमें लिखेंगे हम सोल्यूशन में पहले लिखा हमने सम ऑफ फर्स्ट एन और नंबर्स इसको एन स्केयर तो इसमें क्या है टोटल नंबर्स इज इकॉल फाइव मैंने क्या लिखा कौन से नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव टोटल नंबर्स कितने हैं फाइव और निचल नंबर्स कितने फाइव वन है थ्री है फाइव है सेवन है नाइन है यहाँ फाइव है टोटल नंबर्स फाइव सम ऑफ़ फर्स्ट फाइव और निचल नंबर्स यानी एन की जगह क्या लिखा हमने फाइव तो फाइव एन की जगह फाइव स्केयर हो गया फाइव स्केयर तो कितने हैं ये टोटल नंबर्स कितने फाइव फाइव को स्केयर करेंगे फाइव स्केयर हो गया फाइव इंटू फाइव इज ईकॉल्ड फाइव फाइव आ ट्वेंटी फाइव तो इसका सम करने के बग़ैर हम बताते हैं कि इसका जो सम आएगा वो आएगा ट्वेंटी फाइव जो हमने कैसे किया पहले हमें पता होना चाहिए हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन और नीचर नंबर इज इकॉल एन स्केयर ये जितने भी और नंबर्स है उसको हम स्केरिंग करते हैं तो हम देखते हैं टोटल तो नंबर इज इकॉल्ड फाइव कितने और नंबर से फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो हमने क्या किया सम ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर ये फर्स्ट फाइव ऑड नेचुरल नंबर है वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो हमने किया फाइव स्क्वायर तो फाइव स्क्वायर हो गया फाइव इंटू फाइव इज टू ट्वेंटी फाइव इसका सम आएगा ट्वेंटी फाइव पार्ट टू पार्ट टू जो है क्वेश्चन नंबर सेवन का तो है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस अलेवन इसी तरह प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन तो इसमें क्या है कि हमने जब ये लिखा क्वेश्चन हमने लिखा तो सोलूशन में क्या लिखेंगे गया सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल इज इज इक्वल इक्वल यानी कि जितने भी नेचुरल और नेचुरल नंबर्स ऊपर है और नंबर्स है यानी पहले से फर्स्ट से हम शुरू करते हैं वन से हम शुरू करते हैं तो उनको हम स्केरिंग करते हैं ये कितने आते हैं टोटल नंबर्स इज कॉल्ड टेन कितने नंबर्स है टेन जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी टेन है ये तो टोटल नंबर्स कितने हैं टेन फर्स्ट टेन ऑर्डिजल नंबर्स इज इक्वल टेन स्क्वायर तो फर्स्ट जब ये टेन है तो हम गिन लेते इनको काउंट करते हैं काउंट करने के बाद हमें टेन आया टेन स्क्वायर इज इक्वल टेन इंटू टेन टेन स्क्यर का मतलब हो गया टेन इंटू टेन को टेन तेन हजार हंड्रेड टेन तेन हजार हंड्रेड तो इसका मतलब हो गया इसका सम आएगा हंड्रेड विदाउट विदाउट एडिंग हमने किया इसका सम निकाला तो फिर थर, थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन का वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस अलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन प्लस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी थ्री यहाँ वन स्टार्ट किया तो जो दूसरा पार्ट था सेकंड पार्ट था उसके अलावा इसका ट्वेंटी uh, वन है ट्वेंटी थ्री है इसका मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन ऑर्डिचल नंबर्स इज कॉल्ड एन स्केर हम सोलूशन में लिखते हैं ये तो इसका मतलब हुआ टोटल नंबर्स इज कॉल्ड एन इज कॉल्ड टूवेल्व कितने नंबर से सारे हैं ये टवेल्व है वन टू थ्री इसी तरह यहाँ तक ट्वेंटी थ्री के ट्वेल्व आते हैं सम ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व ऑर्डिजल नंबर्स तो ट्वेल्व को हम स्केरिंग करते हैं इन्हें अब आपने समझा ये जितने भी नंबर है इनको स्केयरिंग करना है टोटल नंबर लिखना है स्केयरिंग करना है स्केयर करके यानी तो एन स्केयर हो टोल्व यानी यहाँ नंबर कितने थे टोटल नंबर कितने थे ट्वेल्व थे ऑड नेचुरल नंबर फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर तो इसमें ये याद रखना है कि ये मतलब स्कैनर जो है पैटर्न जो है कंटिन्यू होता है वन से शुरू होता है वन से और नंबर इसका शुरुआत होती है तो फिर वन थ्री फाइव सेवन इसी तरह तो ट्वेल्व कितने आते हैं ट्वेल्व आते हैं ट्वेल्थ स्केयर 12 इंटू ट्व हो गया 144 तो यह आ गया क्वेश्चन पार्ट नंबर थ्री का आंसर 144 हंड्रेड ये था क्वेश्चन नंबर वन यानी हमने इसमें क्या किया हमने इसमें ऐड करने के बग़ैर ही इसका सम निकाला इसका सम निकाला तो पहले बच्चों में आपको फिर एक बार बताता हूँ हमने कैसे किया ये हम जितने भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं उसके बराबर उसका सम होता है यानी ऑड नेचुरल नंबर्स का उसके बराबर सम होता है तो इसका आप स्क्रीन उठाना और अपनी कॉपी पर नोट करना फिर है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस फोर्टी नाइन एज अ सम ऑफ सेवन आट नंबर्स सेवन आड नंबर्स देखो कैसे आपको पता ही है एक्सप्रेस फोर्टी नाइन एज द सम ऑफ सेवन आर नंबर्स देखो सम ऑफ फर्स्ट एन आर डिजिटल नंबर्स इज एन स्क्वायर फोटी नाइन का स्क्वायर क्या होता है सेवन स्क्वायर तो आर नंबर्स कितने हैं सैन कितने हैं सेवन यानी फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर्स है फोटी नाइन इज इक्ल टू वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस अलेवन प्लस 13. जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने नंबर आ गए ये आ गए सेवन नंबर कितने नंबर सेवन नंबर तो सेवन आर नंबर जो होता है उसका सम कितने कितने 49 के बराबर फोटी नाइन के बराबर ये था क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन नंबर एट का सेकंड पार्ट जो है वो है वन हंड्रेड ट्वेंटी वन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन सेकेंड पार्ट है तो इसमें आपको बोलना है नंबर्स कितने अलेवन और नंबर्स है अलेवन और नंबर्स है तो इसमें आप सीधी सोल्यूशन में सीधा लिखोगे कि वन हंड्रेड ट्वेंटी वन इज इक्वल टू अलेवन स्केयर तो अलेवन आठ नंबर हर में आने चाहिए तो अलेवन आठ नंबर वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस अलेवन प्लस थर्टीन कितने आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन तो कितने आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन प्लस नाइनटीन प्लस ट्वेंटी वन तो ये आता है अलेवन ऑड नंबर्स उनका सम किसके बराबर होगा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन के बराबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन के बराबर तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन जो है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्केयर्स ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स इनको स्केयर करना है इन टवेल्व स्क्यर टूवेल्व स्क्यर और थर्टीन स्केयर के दरमियान कितने नंबर होंगे कितने नंबर होंगे देखो सीधी सी बात है मतलब इनका इसका जो सोलूशन होगा देयर विल बी टू एन नंबर्स बिटवीन द स्केयरस ऑफ द नंबर्स एन एंड एन प्लस वन कितने नंबर टू एन नंबर टू एन नंबर देखो एन कितना है? 12 n यहां ट्वेल्व जब नंबर्स होंगे बिटवीन कितने होंगे टू एन टू एन एक नंबर है एन दूसरा है एन प्लस वन एक है ट्वेल्व दूसरा नंबर जो है वो है ट्वेल्व प्लस वन टवेल्व प्लस वन हो गया थर्टीन हो गया थर्टीन ये देखना आप एक है ट्वेल्व दूसरा है ट्वेल्व प्लस वन है ने, एन प्लस वन एन कितना है यहाँ ट तो कितने नंबर्स इनके दरमियान होंगे इनके दरमियान नंबर होंगे टू एन टू एन एन किसके बराबर है ट्वेल्व के बराबर तो नंबर्स कितने होंगे इसके बाद दरमियान टू एन इज़ इक्वल टू फार्मूला का टू इन टू एन के दरमियान एन के बदले एन की जगह हम सब शुरू करेंगे ट्वेल्व तो 12 इंटू टू गए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर नंबर्स इस ट्वेल्व स्क्यर और थर्टीन स्क्यर के दरमियान होंगे इसी तरह दूसरा पार्ट जो है वो है ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सिक्स देखो यहाँ जो एन है एन इजिकॉल ट्वेंटी फाइव एन इजिकल ट्वेंटी फाइव दूसरा है एन प्लस वन एन प्लस वन वो है ट्वेंटी सिक्स वो है ट्वेंटी सिक्स देखो एन अगर एन ट्वेंटी फाइव है, यह ट्वेंटी फाइव प्लस वन हो गया ट्वेंटी सिक्स तो एन कितना है एन ट्वेंटी फाइव नंबर्स इनके दरमियान कितने होंगे जब हम स्क्रिंग इसका करेंगे तो ट्वेंटी नंबर्स बिटवीन बिटवीन ट्वेंटी फाइव स्केयर एन ट्वेंटी सिक्स स्केयर ट्वेंटी सिक्स स्केयर एन कितना है ट्वेंटी फाइव तो ये होगा टू एन टू एन टू टू फार्मूला का इंटू एन कितना है ट्वेंटी फाइव हो गया फिफ्टी नंबर्स कितने नंबर्स फिफ्टी नंबर्स इसके जब हम स्क्रिंग करेंगे यानी ट्वेंटी फाइव स्क्यर एन ट्वेंटी सिक्स स्कैयर के दरमियान फिफ्टी नंबरस होंगे इसी तरह थर्ड पार्ट आप खुद करना यानी कि आपने इस क्वेश्चन नंबर नाइन में ये समझा कि जो स्कीरिंग करते हैं हम यानी एन और एन प्लस वन का एन और एन प्लस वन का यानी अगर एन ट्वेल्व है तो ये थर्टीन होगा अगर ये फिफ्टीन है ये सिक्सटीन होगा अगर ये सेवनटीन है ये एटीन होगा अगर ये नाइन्टीन है ये ट्वेंटी होगा तो इसका मतलब हो गया एन इनके दरमियान कितने नंबर निकलते हैं टू एन टू एन इसका याद रखना टू एन यानी पहला नंबर उसको टू से मल्टीप्लाई करना है पहला नंबर होगा यहां पहला नंबर क्या था ट्वेल्व हमने ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया टू के तो यहां क्या नंबर था पहला ट्वेंटी फाइव एन ट्वेंटी फाइव था ट्वेंटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई उतने नंबर इसके दरमियान होते हैं यह था क्वेश्चन नंबर एट और नाइन पहले बच्चों इसका आप स्क्रीन शॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना इस तरह हमने आज एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन कम्प्लीट की है तो इसका भी आप स्क्रीन शॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना तो अगले लेक्चर तक अस्सलाम वालेकुम